नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चित्रांश एग्रीकल्चर पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की 19 उन्नत वैरायटियों के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको खेती किसानी से संबंधित जानकारी हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम सोयाबीन की वैरायटियों के बारे में जानेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड भाग, राजस्थान, गुजरात, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर वैरायटियाँ दी गई हैं, जो कि RBSM 2011-35 2021 में अस्तित्व में आती है। 98 दिन परिपक्वता अवधि और 22 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। NRC 138 इंदौर सोया के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में अस्तित्व में आया है और 93 दिन इसकी परिपक्वता अवधि होती है। 29 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। AMS 100 39 PDKV आंबा के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में अस्तित्व में आता है और 97 दिन इसकी परिपक्वता अवधि होती है और 21 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। RBS 76 राज विजया सोयाबीन, 2021 इसका विमोचन वर्ष, 101 दिन में कटने योग्य हो जाता है, 21 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। NRC 142 इंदौर सोया 142 के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में अस्तित्व में आया और 96 दिन में यह कटने योग्य हो जाता है, 28 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। MACS 1407 2021 विमोचन वर्ष, 99 से 107 दिन में यह कटने योग्य हो जाता है और 32 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। और बात करें वैरायटी नंबर 7, जो कि MACS 1520 2021 इसका विमोचन वर्ष, 98 से 102 दिन में कटने योग्य हो जाता है और 22 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। MACS 1460 2021 में अस्तित्व में आया, 97 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 23 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। NRC 130 इंदौर सोया 130 के नाम से भी जाना जाता है और 2021 में अस्तित्व में आया, 92 दिन में यह पककर तैयार हो जाता है, 30 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। RSC 1046 2021 विमोचन वर्ष, 98 से 107 दिन में पककर तैयार हो जाता है, 25 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। 1052 RSC 1052 2021 विमोचन वर्ष, 99 से 103 दिन में पककर तैयार होता है, 26 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। MSSMB 518 स्वर्ण सोया के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में इसका विमोचन वर्ष है, 98 से 102 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है, 25 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। AMS 1001 PKV येलो गोल्ड 2019 विमोचन वर्ष, 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 26 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। JS 20 116 2019 विमोचन वर्ष, 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाता है, 30 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। JS 2094 2019 विमोचन वर्ष, 98 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 27 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। JS 2098 2018 इसका विमोचन वर्ष है, 96 से 101 दिन में पककर तैयार हो जाता है, 23 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। NRC 127 2018 इसका विमोचन वर्ष, 102 दिन में कटने योग्य हो जाती है, 34 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। राज सोया 18 RBS 18 मध्य प्रदेश 2017 इसका विमोचन वर्ष, 92 से 97 दिन में पककर तैयार हो जाता है, 24 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। राज सोया 24 RBS 2017 में अस्तित्व में आया, 92 से 96 परिपक्वता अवधि, 22 कुंटल प्रति हेक्टर इससे उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने सोयाबीन की 19 वैरायटियों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिल सके। आप
अपनी फसल में किसी भी रोग से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।